नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पब्लिक मैटर में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। तो चलिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। पिथौरागढ़ के गंगोली हाट तहसील के बेलपट्टी क्षेत्र के सुगड़ी गांव के एक जवान सीमा पर शहीद हो गए हैं, जिससे पूरे गांव में मातम पसर गया। अब उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो देखें क्या हुआ। जवान के छोटे भाई अनिल ने बताया कि बड़े भाई दीपक ने बुधवार रात 8 बजे उन्हें फोन किया था और कहा था कि घर में कुशल सेम कैसी है। दीपक ने बताया था कि वो एक सर्च अभियान में जा रहा है, लौटने के बाद फोन करेगा। अब बीती रात अचानक 12:30 बजे उन्हें सेना की तरफ से फोन आया और बताया गया कि दीपक को गोली लगने से वो शहीद हो गया, जिसके बाद से परिवार का हाल बेहाल हो चुका है। भाई का कहना है कि बस 2 महीने पहले ही बीमारी के कारण उनकी भाभी का निधन हो गया था, जिसके बाद वो 1 साल के मासूम बच्चे को छोड़ गई थी, जिसकी परवरिश को लेकर भी भाई बहुत परेशान था, लेकिन अब वो भी चला गया। आपको बता दें, गंगोलीहाट तहसील के बेलपट्टी के सुगड़ी चौरपाला निवासी दीपक सिंह 27 वर्ष भारतीय सेना के 16 कुमाऊं में तैनात थे। वो इन दिनों जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में RR में सेवा दे रहे थे। छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।